राजस्थान के ग्रामीण अंचल में आपने कई ऐसे अनूठे गांव देखे होंगे जहां पर मेरे और आपके समान इंसान रहते हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जयपुर के पास हाथी गांव, जहां पर हाथी ही हाथी रहते हैं। तकरीबन 80 के करीब यहां पर हाथी हैं, जहां पर इनकी रखरखाव के लिए भी बाकायदा 80 परिवार यहां पर वर्षों से रहते हैं। हाथी गांव में खासियत यह भी है कि जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान फ्लैट्स होते हैं, बाकायदा इनके भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान अपार्टमेंट होते हैं। इस अपार्टमेंट में इनको रखा जाता है और सप्ताह में यानी कि महीने में 15 दिन बाकायदा इनकी छुट्टी रहती है, 1 दिन छुट्टी और 1 दिन ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। तीनों मौसम सर्दी, बरसात और गर्मी में खास तौर पर इनका ख्याल रखा जाता है। मौसम के हिसाब से ही इनको डाइटिंग दी जाती है और जब यहाँ पर पर्यटक इनके दीदार के लिए आते हैं तो मानो देखते ही रह जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जयपुर में जो आमेर फोर्स है, उस आमेर फोर्स में देश विदेशों से जब पर्यटक आते हैं तो बाकायदा उनको एंट्री के लिए यहाँ पर फीस जमा करानी होती है और बाकायदा इस पूरे परिसर को, इस पूरे गांव को जिसको हाथी गांव कहते हैं, इसको चारों तरफ से जालियों से ढका गया है, यानी कि दूसरा बाहरी व्यक्ति यहाँ पर यदि आता भी है तो उसको बाकायदा एंट्री फीस जमा करवानी होगी। हाथी गांव के अंदर सारे हाथी रहते हैं और हाथी के साथ उनका परिवार रहता है। ये भारत का एक ऐसा पहला हाथी गांव है जो हाथियों के लिए बसाया गया है और साथ साथ इसकी स्थापना इस तरीके से हुई क्योंकि पहले जयपुर में जब आमेर किले के अंदर अभी प्रेजेंट हाथी चलते हैं तो उस जमाने में क्या होता था कि हाथी आमेर किले की राइड के बाद एक जो प्राचीन रजवाड़ों के टाइम से महावतों का मोहल्ला बसाया गया था, यानी कि हाथी को चलाने वाले को जो उसका ड्राइवर होता है उसको महावत किया जाता है। तो राज परिवार के समय से महावतों का मोहल्ला बसाया गया था जो कि रामगंज बड़ी चौकड़ा के पास है। यहाँ से आमेर किले से सवारी करने के बाद हाथी मार जाया करते थे, दूर पड़ता था उनको आना और जाना। तो राजस्थान सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए कि सारे हाथियों को एक ही जगह एक ही स्थान पर आमेर के नज़दीक रखा जाए, तो उन्होंने ये हाथी गांव बनाया। ये हाथी गांव 120 बीघा के अंदर बना हुआ है। 2010 के अंदर इस हाथी गांव की स्थापना हुई और 120 बीघा में ये हाथी गांव बना हुआ है। यहाँ पर ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक तरह एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 3 हाथियों के रहने की जगह है। 3 हाथियों को रहने की जगह है। जो हाथी जिस जगह पे रहता है उसको हाथी थान बोला जाता है। हाथी थान के साथ साथ हाथी महावत का कमरा उसके बिल्कुल नजदीक होता है कि वो हाथी के ऊपर दिन रात मॉनिटरिंग करता रहे, दिन रात देखता रहे कि उसका हाथी चारा खा रहा है या नहीं खा रहा है, क्या परेशानी है। और साथ साथ एक हाथी के साथ उसका एक स्टोरेज रूम चारे का उसी ब्लॉक के अंदर होता है। तो 3 हाथी एक ब्लॉक में 3 हाथियों के रहने का स्थान, 3 महावतों के रहने के कमरे और 3 ही स्टोरेज रूम होते हैं। पानी पीने के लिए पानी का टैंकर है और सारी चीजें व्यवस्था है। कितने हाथी पूरे गांव के अंदर हैं, कितने महावतों के परिवार हैं? तकरीबन 80 हाथी हाथी गांव के अंदर रहते हैं और साथ साथ जो है इनके जो इतने ही परिवार, जितने हाथी हैं उतने ही परिवार, क्योंकि एक हाथी को एक महावत संभालता है, साथ साथ उसका परिवार भी उसके साथ ही रहता है। तो महावत की दिनचर्या सुबह से शाम तक हाथी के साथ ही स्पेंड होती है। इंसानों की तरह इनके नाम भी है और इनको ऑफ भी मिलता है। हाँ, के नाम होते हैं, किसी ज्यादातर यहाँ पर जो है फीमेल्स एलिफेंट्स हैं, सभी के नाम होते हैं, किसी का लक्ष्मी, चमेली, रूपा, चंचल, इस तरीके से एक के नाम होते हैं और इनको नाम से ही पहचाना जाता है। और साथ साथ इनको जो एक वन विभाग एक माइक्रोचिप लगाता है उसकी पहचान भी उससे माइक्रोचिप से होती है, दुकान के पीछे लगाया होता है माइक्रोचिप के अंदर, उससे पहचान होती है। और हम लोग को आसानी से पहचान जाते हैं क्योंकि बचपन से हाथियों के साथ रहे, जो भी है इनका इनके नाम से ही इनको पुकारा जाता है। सबका स्वभाव अलग अलग है सारे। हाँ, एक दिन ये आमेर किले के अंदर भी गर्मियों के अंदर 3 से 4 महीने का इस तरीके से इनका सिस्टम रहता है कि आमेर किले की राइड के लिए सुबह मॉर्निंग से 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की राइड होती है, 2-3 घंटे की राइड रहती है, जिसमें एक दिन एक हाथी का रेस्ट रहेगा और अगले दिन उसकी उसको काम पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरे दिन उसको काम होगा। यानी एक दिन में आज रेस्ट, कल काम, फिर परसों रेस्ट। डाइटिंग का क्या? डाइटिंग डाइट के अंदर इनका यह रहता है कि इनको गर्मियों में, सर्दियों में और बरसात में, तीनों मौसम में अलग अलग तरीके का खाना दिया जाता है। अभी गर्मी है तो गर्मी में इनको मोस्टली गन्ना दिया जाता है शाम के टाइम पे। दिन के समय में इनको ज्वार, बाजरे का जो कड़ होता है उसको हंसकी के साथ मिला के दिया जाता है, साथ साथ तरबूज रोज दिया जाता है और केले वगैरह है, और शाम को रोटी बनाई जाती है, इतनी रोटी दी जाती है इनको, तो काफी अच्छी ध्यान रखना पड़ता है। बरसात का मौसम होता है तो बरसात के मौसम के अंदर इनको हरा ज्वार और हरा बाजरे का चारा दिया जाता है। सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें बाजरे की खिचड़ी वगैरह
और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इनको च्यवनप्राश वगैरह ये सारी चीज़ें इनको समय समय पर दी जाती हैं, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, साथ साथ इनको देखते हैं कि कब इनको क्या चीज़ देनी है क्या नहीं देनी है, तो डॉक्टरों की सलाह के साथ इनको हर चीज़ जाती है। दुनिया में नहीं बल्कि देश का भारत का एकमात्र गाँव है जो कि सिर्फ हाथियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक हमेशा यहाँ पर उनका जमावड़ा रहता है, हर कोई इसकी सवारी के लिए आतुर रहता है। एक्साइटेड हाथी गांव के बारे में हमने सुना था, एक्चुअली हम नियर बाई फोर्ट में गए थे, वहाँ से हमने सुना कि यहाँ हाथी गांव है, हाथियों को रखा गया वहाँ पे, एंड तो उसके लिए फिर हम लोग एक्साइटेड है, थोड़ा यहाँ देखने आए यहाँ पे कैसे करना है हाथियों के बारे में, और राइड भी करना करेंगे थोड़ी देर में भी जी। ये ग्रीनरी बहुत अच्छी है और हाथियों को संरक्षित किया गया है, मतलब एक ऐसा संरक्षित है और उनका खास ख्याल वाले यहाँ रखा जा रहा है पूरी तरह से, तो ये काफ़ी अच्छी है और दे आर रिजर्व्ड हियर, तो उनको मतलब प्रोटेक्शन भी मिल रही है, और हम जैसे लोग यहाँ पे आते हैं घूमते फिरते हैं तो थोड़ा हम भी नेचर के प्रति थोड़ा और हमें जागरूक हो रहा है, नेचर के प्रति थोड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं जी। जयपुर में तो सब कुछ ही अच्छा है, बट हम फोर्ट गए थे, फोर्ट हमें बहुत अच्छा लगा, बाकी हम अभी एक्सप्लोर करेंगे और धीरे धीरे चीजें, और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, तो फूड हमें बहुत अच्छा लगा जयपुर का।